नंदी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नंदी जी, क्या कुछ तैयारियां करके रखी हैं और कितना निवेश आने की उम्मीद है? देख, मैं जितना पीछे जा रहा हूँ आप उतना पीछे आ रहे हैं। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बनकर के उभरा है। और भारत में भी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे की बात करें तो 37.7% उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे होने वाला है। अगर हम बात करें 2017 से पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है, 5 और बन रहे हैं, 14, 7 पर हम काम कर रहे हैं। 21 एयरपोर्ट वाला, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ खपत है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, तो निश्चित रूप से तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम लोगों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना है। आज के इस अवसर पर तमाम उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप आज 80,224 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये बताता है कि हमने इन्वेस्टरों का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून व्यवस्था स्थापित की गई है, कानून को हाथ में लेने वाले माफिया और गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके इन्वेस्टर का हमने भरोसा जीता है और उनको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। और आगे बढ़ करके वो एक कॉल करते हैं तो हमारे अधिकारीगण, हम लोग उनको आगे बढ़ करके उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए उनकी सारी समस्याओं का निदान करते हैं। कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं फिलहाल आज? अब देख लीजिएगा, अभी दिखिएगा सब। तो आपने देखा कि ये नंदगोपाल नंदी थे, औद्योगिक विकास मंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, इस बार 80,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश यहां पर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ की गई उसके वजह से उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। कैमरामैन गिरीश कांडपाल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।